जॉन एब्राहम की मूवीज काफ़ी शानदार और एक्शन से भरी होती हैं। तो चलिए देखते हैं जॉन की आने वाली 5 फिल्म। नंबर 1, मुंबई साका एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट संजय गुप्ता करेंगे। फिल्म में जॉन एब्राहम और हिमेश रेशमिया लीड रोल में नजर आएंगे, तो वहीं जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और गुलशन ग्रोवर सपोर्टिंग रोल में हैं। फिल्म 2020 में रिलीज होगी। इस फिल्म के माध्यम से 80-90 के दशक की गैंगस्टर कहानी दिखाई जाएगी। नंबर 2, अटैक। जॉन एब्राहम की अगली फिल्म अटैक एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो हमें इसी साल को देखने को मिलेगी। फिल्म में जॉन एब्राहम लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस भी नजर आएंगी और इसमें जॉन आपको दुश्मनों से भिड़ते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी 14 अगस्त को। नंबर 3, जॉन की एक और अगली फिल्म सत्यमेव जयते 2। फिल्म सत्यमेव जयते का सीक्वल है जिसमें जॉन एब्राहम और दिव्या खोसला कुमार लीड रोल में नजर आने वाले हैं और ये फिल्म एक्शन से भरपूर होगी। ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी 2 अक्टूबर 2020 को। नंबर 4, जॉन एब्राहम की एक रेसिंग फिल्म जिसकी अनाउंसमेंट खुद जॉन ने ट्वीट कर की थी और ये एक बाइक रेसिंग फिल्म होगी और ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी बाइक रेसिंग फिल्म होगी। तो दोस्तों देखते हैं कि इस फिल्म की रिलीज डेट कब फाइनल होती है और ये फिल्म हमें कब देखने को मिलती है। नंबर 5, एक विलन 2 एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है जो साल 2014 में आई फिल्म एक विलन की सीक्वल है। इस फिल्म को डायरेक्ट मोहित सूरी कर रहे हैं। जॉन एब्राहम, आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया इस फिल्म में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको जॉन की किस फिल्म का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।